नमस्कार, एसएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सरिता कुमार। आज हम बात करेंगे शांति स्वरूप बोध जी से, जो कि बहुत बड़े धर्म प्रचारक हैं। आज हम इनसे बात करना चाहेंगे माता सावित्रीबाई फूले जी के बारे में, जो कि भारत की पहली महिला शिक्षिका रह चुकी हैं, और इन्होंने अपनी परवाह ना करते हुए भी महिलाओं को शिक्षा देने का काम शुरू किया था। इनके बारे में इनके बारे में सभी लोग जानते हैं और इनके काम के बारे में भी, लेकिन आज हम शांति स्वरूप बोध जी से जानना चाहेंगे जो वो बातें जो समाज हमारा नहीं जानता है। जी धन्यवाद बेटे सरिता, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। वास्तव में जो इस देश के वास्तविक महानायक हैं वो परिचय के मोहताज हैं। उन महानायक और महानायिकाओं में क्रांति ज्योति माता सावित्री बाई का नाम भी एक है, जिन्होंने अपने समय में अपने पति ज्योतिबा फूले के साथ मिलकर वो इतिहास रचा जो आज तक इस देश के तथाकथित शासक जातियाँ भी नहीं रच पाई। कारण ये है कि उनके सारे रास्ते यहाँ के जातियाभिमानी लोगों ने बंद किए। उन्होंने एक गुनाह किया। गुनाह क्या किया कि ज्योतिबा फूले ने एक अंग्रेज के माध्यम से एक अपनी मौसेरी बहन थी जो उम्र में बहुत बड़ी थी, क्षीरसागर उनको कहते थे, उनका सरनेम था, उसके माध्यम से उन्होंने थोड़ी अंग्रेजी सीखी। अंग्रेजी सीखने के बाद फिर उन्होंने अपनी पत्नी को सावित्री बाई को भी अंग्रेजी का ज्ञान और दूसरा मराठी का ज्ञान कराना शुरू किया। ये बात फूट पड़ी मोहल्ले में, गांव में सबको पता चलेगी तो ब्राह्मण को भी पता चली। ब्राह्मण एक अलग प्रकार का जंतु है, सारे संसार में ऐसा जंतु नहीं मिलेगा। वो हर चीज़ को अपनी दृष्टि से तोड़ता है, मरोड़ता है, पेश करता है। उसने कहा कि ये लोग पढ़ जाएंगे, लिख जाएंगे, अपने अधिकारों की मांग करने लगेंगे, तो हम जो बगैर काम किए ये मस्ती काट रहे हैं वो सब खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने उनके बाप को गोविंद राव को भड़काना शुरू किया कि तुम्हारा बेटा बड़ा अनर्थ कर रहा है, तुम्हारी बहू बहुत अनर्थ कर रही है, इसका तो तुम्हें पाप भोगना पड़ेगा, तो इनसे कहो कि पढ़ने लिखने का काम ना करें। तो वो जो था दख्यानुसी आदमी था, और दख्यानुसी आदमी को ही ये लोग पसंद करते थे, वो उनकी बातों में आ गया और उन्होंने अपने जवान बेटे को, जो अभी थोड़े दिन पहले जिनकी शादी हुई थी, और जवान बहू को जिसको अभी थोड़े दिन पहले शादी हुई थी, कोई बच्चा भी उनको नहीं हुआ था, उनको घर से निकाल दिया। बड़े बुरे दिन देखने पड़े। अब घर से उन्होंने निकाल दिया, मगर उन्होंने अपने सामाजिक क्रांति के हथियार नहीं डाले थे, वो अपने काम पर अटल रहे। और उन्होंने निर्णय किया कि जिस शिक्षा को हाथ लगाने के कारण हमें प्रताड़ित और हमें बहिष्कृत होना पड़ा, उस शिक्षा का दामन अब हम कभी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने संकल्प लिया कि हम इस देश के जितने भी तमाम अछूत हैं, पिछड़े हैं, औरतें हैं, उन सबको पढ़ाने का काम करेंगे। उन्होंने एक स्कूल बनाया। स्कूल बनाने के लिए घर घर गए, कोई मकान मिल जाए, किसी का आंगन मिल जाए, मगर नहीं मिला। हमें एक बात बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है। एक महिला थी उनके गांव में, उनका नाम था फातिमा शेख। उसे पता चला कि भाई ये इस शिक्षा का काम करना चाहते हैं, मगर लोग दख्यानुसी लोग, रूढ़ीवादी लोग इनकी सहायता नहीं कर रहे हैं। तो उस बहादुर महिला ने सामने आकर के कहा कि अये सावित्री बाई, अये ज्योतिबा, ये मेरा घर अपना घर समझो और मेरे घर में आके स्कूल शुरू करो। तो पहला स्कूल, ये इसको नव जागरण काल कहते हैं, जिसमें ज्योतिबा फूले हुए थे, उसमें बैकवर्ड्स का, शूद्रों का पहला स्कूल सावित्रीबाई और ज्योतिबा फूले ने खोला, एक मुसलमान के घर में खोला। लोगों को हमें मुसलमानों के खिलाफ भड़काया जाता है ना, वो इसलिए भड़काया जाता है क्योंकि मुसलमानों को हमको लड़ा के रखना चाहते हैं, और यहाँ पर हमें लड़ाने के बाद वो यहाँ शासक बनने के काम में आगे आ जाना चाहते हैं, जैसा आजकल भी हो रहा है। उन्होंने सावित्रीबाई एक युग नारी थी। युग नारी का मतलब अब तक उनके युग में इतनी महान नारी कोई हुई नहीं। उन्होंने जब महिलाओं का स्कूल खोला तो उसमें अछूत कन्याएं भी आईं। अछूत कन्या का तो एजुकेशन से कोई मतलब नहीं, पिछड़ी की तो बात छोड़िए, पिछड़े तो कुछ संपन्न थे, उनके पास ज़मीनें भी थी, उनके पास खेतियां भी, अछूत के पास तो कुछ भी नहीं था।
खाली मालिकों की ठोकर खाना, गाली खाना, जलील होना, भुखमरी झेलना, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं था। उन्होंने उनके बच्चों को भी शिक्षा दी। अब जो लोग ये कहते हैं कि नहीं अछूतों को शिक्षा नहीं दी थी, तो वो सुन लें। एक बालिका थी, उसका नाम था मुक्ता सालवे। लो जी गुरु जी सालवे, जो ज्योतिबा फुले के गुरु थे एक तरीके से, उनको मल्ल विद्या यानी कि पहलवान की विद्या सिखाते थे। दंड पहलना, उठक बैठक लगाना, कुश्ती करना, ये सब सिखाते थे। तो उसके वो रिश्ते में थी वो लड़की। वो वहाँ सावित्रीबाई फुले के स्कूल में लाए और वो वहाँ पर पढ़ी। उस लड़की का इतिहास ये है कि इंटर स्कूल कंपटीशन हुआ, ऐसे कंपटीशन, उसने उसमें एक मुक्ता ने एक ऐसे लिखा और उसको फर्स्ट अवार्ड मिला। वो अगर आप आज ऐसे देखोगे तो आप आश्चर्य करोगे कि वो एक छोटी क्लास की बालिका, उस समय में जब कुछ भी नहीं था, अपना इतिहास मालूम नहीं, अपनी विरासत मालूम नहीं, अपना गौरव मालूम नहीं, उस समय में उस बालिका ने इतना सुंदर लेख लिखा है, वो मैंने छापा है। तो उसने उसको शिक्षित किया और शिक्षित होने के बाद बहुत बड़े बड़े काम उन्होंने किए। एक काम उन्होंने और क्या किया, समाज सुधार के भी काम किए। समाज सुधार का काम ये किया कि उस जमाने में सती प्रथा थी, उस जमाने में विधवा विवाह नहीं हुए करते थे। तो विधवा हो गई तो वो अपने परिवार में रहती थी, गुलाम की तरह रहती थी। उसका कोई सम्मान नहीं था, कोई उसको अधिकार नहीं था, ना संपत्ति में और ना किसी और चीज़ में। वो खाली अपने मरने की ही इंतजार किया करती थी। विधवाओं की ये स्थिति थी। और अक्सर क्या होता था कि वो विधवा के परिवार के उनके देवर, उनके जेठ, उनके ससुर उनको गंदा करते थे, उनके साथ अनाचार करते थे। वो गर्भवती हो जाती थी। जब वो गर्भवती हो जाती थी तो लोक लाज से बचने के लिए अपने प्राण दे देती थी, खुदकुशी कर लेती थी या घर छोड़कर भाग जाती थी। एक ऐसी ही ब्राह्मण महिला थी, वो भी अपने ससुर द्वारा उसे गंदा कर दिया गया तो उसको गर्भ ठहर गया। और जो गर्भ ठहर गया तो पूना की एक नदी के ऊपर जो पुल है वो वहाँ पर गई कि मैं उस पुल से कूदकर अपनी जान दे दूँगी। तो उधर से ज्योतिबा भी गुजर रहे थे, जो सावित्री के पति थे, योग्य पति थे। उन्होंने देखा कुछ मामला गड़बड़ है, ये महिला की जो आव भाव हैं, इसकी जो बॉडी लैंग्वेज है कुछ अजीब है, कुछ अनहोनी तो नहीं होने जा रही। तो वो भांप गए कि ये अपनी हत्या, अपनी अतहत्या, अपनी खुदकुशी करने आई है, जिसे संस्कृत में आत्महत्या कहते हैं। तो उन्होंने दौड़कर उसको पकड़ा, वो रोने लगी, फूट फूट कर रोने लगी। ज्योतिबा ने उसका ढांढस बताया और कहा कि बहन तो चिंता मत कर, मैं हूँ ना। तो उन्होंने एक बाल हत्या विरोधी एक केंद्र बना रखा था, एक प्रसूति केंद्र बना रखा था, जो ऐसी महिलाओं की प्रसूति कराते थे। वो उसमें लाए, उसकी डिलीवरी कराई, उसको एक बच्चा पैदा हुआ। बच्चे का नाम रखा यशवंत। बाबा साहब ने भी जो अपने बेटे का नाम यशवंत रखा ना, वो फूले के बेटे के ऊपर ही नाम रखा, यशवंत राव अम्बेडकर। तो वो उसको ले गए घर, प्रसूति कराई, बेटा हुआ। बाद में फिर उसकी डेथ हो गई, विधवा की, ब्राह्मणी की। सावित्री ने बड़ी बहादुरी से उस बच्चे को गोद लिया और गोद लेने के बाद उसको पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया, वो डॉक्टर बन गया। ये उदाहरण दिल दहला देने वाला है। जो लोग हमारे जान के प्यासे पल पल हमें अपमानित करते हैं, पल पल हमें अधिकारहीन करते हैं, पल पल हमें जलील करते हैं, ज्योतिबा फूले को उन्होंने चैन से जीने नहीं दिया। सावित्रीबाई फूले जब पढ़ाने जाती थी, रास्ते में ब्राह्मण लोग उसके ऊपर थूकते थे, कीचड़ फेंकते थे, गोबर फेंकते थे, पत्थर मारते थे। ऐसे समाज से अपमानित, जलील, प्रताड़ित होने के बाद भी उन्होंने उसके विधवा महिला को गले लगाया, उसके बच्चे को गले लगाया, ना केवल गले लगाया, पालन पोषण करके उसे अपने पैरों पर खड़ा करने लायक डॉक्टर बना दिया और अपनी सारी संपत्ति उसके नाम कर दी। ये महानता सावित्रीबाई फूले की, जो अपने दुश्मनों पर भी करुणा बरसाए, वो हमारा चरित्र है। इस देश के शूद्रों का, इस देश के बैकवर्ड्स का, इस देश के अछूतों का, इस देश के शेड्यूल कास्ट का। तो सावित्रीबाई फूले के नाम से जब हम स्मरण करते हैं उनका, तो सीना गर्व से फूल जाता है। आज उनको
भारत की प्रथम महिला शिक्षा, ये आधुनिक युग की प्रथम महिला शिक्षा होने का एक जो गौरव मिला है हम सबके लिए, वो परम गर्व की बात है। वो फातिमा शेख, फातिमा शेख को भी उन्होंने पढ़ाया, फातिमा शेख भी पढ़ने लगी और उन्होंने भी अपनी मुस्लिम महिलाओं को पढ़ाने का काम शुरू किया। वो मुसलमानों की पहली शिक्षिका बनी। किसके कारण बनी? हमारे ज्योतिबा फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले के कारण बनी। देखिए, जो फुले थे, इनका परिवार फूल बेचने का काम करता था रजवाड़ों में, इसलिए फूले फूल बेचने के कारण उनका नाम फूले पड़ गया। हमारे हिंदी में तो फूल लिखते हैं ना, तो गलती से फूले लिख देते हैं, मगर मराठी में फूल लिखते हैं, फूले। जैसे हम नागपुर लिखते हैं, वो नागपुर लिखते हैं। तो ये वहाँ उसका तरीका है, शुद्ध लिखने का तरीका ये है कि हम उनका नाम ज्योतिबा, ज्योतिराव नहीं, ज्योतिबा फूले। और उनको महात्मा बेटे कभी भी गलती से मत कहना, वो तो आत्मा और परमात्मा दोनों के खिलाफ थे। मगर ब्राह्मणों के क्या किया, एक बार उनका सम्मान करने के बुला लिया, सम्मान भी कर रहे हैं और एक तरीके से उनकी वैचारिक हत्या भी कर रहे हैं। उनको उपाधि दी तो क्या दी, महात्मा की उपाधि, वो लोग उनको महात्मा कहने लगे। अरे जिस आदमी ने जीवन भर आत्मा का विरोध किया, परमात्मा का विरोध किया, उसको तुमने महात्मा कह दिया, कितना बड़ा मखोल, कितना बड़ा मजाक, कितनी बड़ी खिल्ली उड़ा रहे हैं हमारे दर्शन की। तो हमें कभी भी ज्योतिबा फुले को महात्मा नहीं कहना है, महामना कहना है। महामना कौन है? जिसका मन बहुत बड़ा है, जिसका मन बहुत उदार है, जो हर एक के लिए उसके दुख में पसीज जाता है, दुखी हो जाता है, उसकी मदद करने को आतुर हो जाता है, उसको महामना कहते हैं। जो सबको एक नज़र से देखता है, किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, किसी के साथ अन्याय नहीं करता, अपनी जान खतरे में डालकर भी दूसरों की रक्षा करने में जो तत्पर होता है, वो महामना होता है। हमारे ज्योतिबा फुले महात्मा नहीं थे, महामना थे। तो आज के बाद से हमें अपने महापुरुषों को महात्मा नहीं कहना है, ना बुद्ध को महात्मा कहना, ना फूले को महात्मा कहना, ना रैदास को महात्मा कहना, ना कबीर को महात्मा कहना। ये महापुरुष हुए हैं अपने अपने ज़माने के। तो अब आप एक बात देखेंगे, जो फूले की जो जाति है वो माली जाति के हैं, फूल बेच से तो माली हो गए ना, वो जो माली जाति के फूले हैं, और ये जो शाक्य हैं जो बुद्ध जिस कुल के थे, और मौर्या हैं, मौर्य और शाक्य एक ही हैं, वो भी शाक्य ही हैं। ये वास्तव में सारी जातियाँ खत्तीय हैं, पाली में इनको खत्तीय कहते हैं। उसको ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था में जब शामिल किया और जब बौद्ध धर्म का पतन हो गया, उसको क्षत्रिय कह दिया। वास्तव में ये सब खत्तीय हैं और ये संसार के सबसे कल्याणकारी लोग हैं। जितने मंगल कार्य किए, जितने समाज की भलाई के काम किए, जितने मानव ही नहीं प्राणी मात्र के भी कल्याण के काम किए, तो वो शाक्यों ने ही किए। तो आज के जितने भी ये दलित हैं, जितने भी आदिवासी हैं, ये भी सब शाक्य हैं, यानी कि पुराने बौद्ध हैं। बाबा साहब ने अपनी किताबों में ये सिद्ध किया है कि आज के जितने भी शूद्र हैं और जितने भी अछूत हैं, ये प्राचीन बौद्ध हैं। बाबा साहब के अलावा एक प्रोफेसर पी लक्ष्मी नरसु, जो मद्रास के बहुत बड़े स्कॉलर थे, फिजिक्स के प्रोफेसर थे, मगर बौद्ध धर्म के बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने भी इस थ्योरी का समर्थन किया है और कहा है कि जो आज के अछूत हैं, प्राचीन बौद्ध हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।